90s की हिंदी फिल्मों में अक्सर नजर आने वाले एक गोरे विलेन को आप भूले तो नहीं होंगे। किरदार हमेशा निगेटिव रहते, कभी फाइटर बनकर आता तो कभी विलेन का खास आदमी, साइड विलेन होते हुए भी जिसकी पर्सनैलिटी बड़े बड़े हीरो पर भारी पड़ जाती। नाम था गैविन पैकर्ड, 90 के बॉलीवुड का मशहूर बॉडी बिल्डर गुंडा। मगर क्या आप इस अदाकार के अंत से वाकिफ हैं? कैसे बॉलीवुड वाले ही उसकी भयानक मौत की वजह बन गए? चलिए आज हम आपको पूरा सच बताने जा रहे हैं, जिससे बहुत से लोग आज भी अनजान हैं। बॉलीवुड में कम ही अभिनेता ऐसे हुए जो निगेटिव रोल करते थे लेकिन हीरो की पर्सनैलिटी पर भारी पड़ जाया करते थे। 90 के दौर में विलेन गैविन पैकर्ड भी उनमें से ही एक थे। गोरा चिट्टा रंग देखने में विदेशी लगा करते, असल में वह विदेशी मूल के ही थे। उनके दादा जॉन पैकर्ड आयरिश अमेरिकन मूल के थे। वो US आर्मी के सदस्य हुआ करते। एक बार वो बैंगलोर आए तो उनको भारत इतना भा गया कि वो यहीं बस गए। इनके पोते गैविन 9 जून 1964 को मुंबई में जन्मे थे। पिता अर्ल पैकर्ड ने कोंकणी महाराष्ट्र लड़की बारबरा से शादी की थी। गैविन 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। बचपन में ही पिता ने अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। खुद इंजीनियर थे तो चाहते थे कि गैविन भी इंजीनियर बने, मगर गैविन का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। उनका बचपन से ही एक शौक था, बॉडी बिल्डिंग का। बस वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर जिम में कसरत किया करते। 16 साल की उम्र में गैविन ने अच्छी खासी बॉडी बना ली और बड़ी बड़ी बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी लेने लगे। स्टेट से लेकर नेशनल लेवल पर खूब अवार्ड जीते और कुछ ही समय में बतौर बॉडी बिल्डर उनका अच्छा खासा नाम हो गया। अब गैविन बॉडी बिल्डिंग से बॉलीवुड कैसे पहुंच गए, यह किस्सा सुनाते हैं। हुआ ये कि इनके दोस्त अक्सर कहा करते कि तेरी बॉडी इतनी अच्छी है, हिंदी भी खूब बोल लेता है, फिल्मों में क्यों नहीं कोशिश करता। गैविन को भी लगा कि बात तो सही है। बस अगले ही दिन से फिल्म मेकर्स के ऑफिसों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। प्रोड्यूसर डायरेक्टर सबसे मिलते, सब बॉडी की खूब तारीफ करते, मगर अफसोस काम कोई नहीं देता। साल भर तक दौड़ते रहे, फिर एक दिन रूठी किस्मत ने साथ दे दिया। साउथ फिल्मों के डायरेक्टर हसन की नजर इनकी फोटो पर पड़ी तो अपनी एक फिल्म में छोटा सा रोल दे दिया। 1980 में आई फिल्म थी बेंजवासु। इसके बाद बस एक और फिल्म में काम मिला। रोल अच्छे नहीं मिल रहे थे तो वापस बॉडी बिल्डिंग में बिजी हो गए। फिर एक दिन किस्मत ने दोबारा दस्तक दी। 1987 की बात है, मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन एक फिल्म बना रहे थे। एक बार उनकी नजर बॉडी बिल्डिंग करते हुए गैविन पर पड़ गई, उनको वह पसंद आ गए। प्रियदर्शन ने गैविन को मिलने के लिए बुला लिया। गैविन के पहुंचते ही फिल्म ऑनफर कर दी। वह फिल्म 1988 में आई, आर्यन, जिसमें उनको मार्टिन का दमदार किरदार मिला था। यहीं से साउथ इंडस्ट्री में उनका नाम हो गया। अगले ही साल उनको अभिनेता मोहनलाल के साथ फिल्म मिल गई सीजन। अब साउथ के साथ हिंदी फिल्मों के ऑनफर भी उनको आने लगे, मगर किरदार गिरे दर्जे के होते। जैसे 1988 में आई नफरत की आंधी में हीमैन का रोल, 1989 में आई नाइंसाफी में टार्जन का किरदार। इसके अलावा इलाका, त्रिदेव, थानेदार जैसी फिल्में करने के बाद भी खास पहचान नहीं बन रही थी। गैविन किसी ऐसी बॉलीवुड फिल्म के लिए तड़प रहे थे जो हिंदी जगत में उनकी पहचान बना दे, लेकिन कोई ऑफर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन अचानक वह फिल्म आई जिसने उनका नसीब पलट दिया। महेश भट्ट संजय दत्त के साथ एक फिल्म बना रहे थे। उनको संजय से टक्कर लेने वाले एक विलेन की जरूरत थी। एक दिन अचानक उनकी नजर गैविन की एक फिल्म पर पड़ी। महेश को वह पसंद आ गई और फौरन मिलने के लिए बुला लिया। गैविन पहुंचे तो महेश बोले, मैं संजय दत्त के साथ फिल्म बना रहा हूं, उसमें विलेन के बॉडीगार्ड का अच्छा रोल है, करोगे? महेश जी के साथ काम कौन मना करता, बस फौरन हां बोल दी। 1991 में फिल्म आई सड़क। सदाशिव अमरापुरकर मैन विलेन और गैविन उनके बॉडीगार्ड। फिल्म में संजय दत्त और गैविन की जबरदस्त टक्कर दिखी। संजय भले ही हीरो, मगर गैविन की पर्सनैलिटी उन पर भारी पड़ गई। सड़क ने गैविन पैकर्ड की किस्मत खोल दी। संजय दत्त तो उनकी बॉडी देखकर इतने प्रभावित हुए कि उनको अपना पर्सनल ट्रेनर बनाकर बॉडी बिल्डिंग सीखने लगे। संजय दत्त तो छोड़िए, सुनील शेट्टी से लेकर सलमान खान तक उनके बॉडी बिल्डिंग की ट्रेनिंग लेने लगे। गैविन ने ही संजय, सुनील से लेकर सलमान को बॉडी बिल्डर बनाया था। वहीं सड़क की कामयाबी के बाद गैविन का इतना नाम हो गया कि इनके पास हिंदी फिल्मों के ऑनफरों की लाइन सी लग गई। फाइटर के ऐसे ऐसे किरदार मिलने लगे कि लोग इनकी बॉडी देखते ही रह जाते। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, गोविंदा, मिथुन से लेकर नाना पाटेकर जैसे बड़े बड़े सितारों के साथ फिल्में मिलने लगी। चमत्कार, तिरंगा, दीदार, आंखें, वक्त हमारा है, तड़ीपार, यशवंत लोहार,
खिलाड़ियों का खिलाड़ी से लेकर बड़े मियां छोटे मियां जैसी न जाने कितनी हिट फिल्मों में अपना हुनर दिखाया। 90s के दर्शक इनका नाम भले न जानते, लेकिन गोरा फाइटर कहो तो फौरन पहचान जाते। सफलता के शिखर पर चढ़ते गैविन ने एवरी नाम की लड़की से शादी भी कर ली। दोनों की दो बेटियां हुई, एरिका और कैमिली। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जिंदगी में, सब कुछ था, मगर फिर शायद किसी की नजर लग गई और अचानक बदकिस्मती ने दामन थाम लिया। 90 का दौर खत्म हुआ तो जैसे केविन का करियर भी खत्म होने लगा। नसीब रूठ गया, फिल्में मिलनी बंद हो गईं, छोटे मोटे रोल भी कोई नहीं दे रहा था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाते कोई रोल नहीं देता। बड़े बड़े स्टार्स से दोस्ती पहचान थी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साल 2002 में आखिरी बार फिल्म जानी दुश्मन में छोटा सा रोल मिला। बस गैविन अकेले पड़ गए, काम रहा नहीं तो डिप्रेशन की बीमारी ने घेर लिया। आंखों के सामने करियर बर्बाद हो रहा था, जिसे यह एक्टर सहन नहीं कर पाया और शराब पीने लगा। पहले गैविन ने शराब पी, फिर शराब उनको पीने लग गई। फिल्मों से जो कमाया था वह धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर साल 2010 में वह घटना हो गई जिसने केविन को पूरा बर्बाद कर डाला। शराब के नशे में गैविन बाइक से कल्याण जा रहे थे। नशे में धुत होने की वजह से उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। वह रोड किनारे बेहोश पड़े हुए थे। कुछ लोगों ने चेहरे से उनको पहचान लिया। फौरन गैविन को अस्पताल ले जाया गया, मगर हादसा इतना बड़ा था कि वह उठने के काबिल भी नहीं रहे और बैड डन हो गए। बेरोजगारी और शराब के बाद एक्सीडेंट ने उनकी निजी जिंदगी खराब कर दी। उनकी पत्नी ने गैविन को तलाक दे दिया और दोनों बेटियों के साथ लंदन चली गई। 90 का मशहूर एक्टर दयनीय हालत में बेड पर पड़े पड़े अपने दिन गिनने लगा। तरस खाकर उनका भाई डैरिल उन्हें अपने घर ले आया, मगर एक्सीडेंट के बाद उनकी हालत फिर बिगड़ती ही चली गई। गैविन को सांस की गंभीर बीमारी लग गई। 18 मई 2012 के दिन अचानक गैविन की सांस उखड़ने लगी। तड़पते भाई को जब तक अस्पताल ले जाया जाता, उनकी तड़पते हुए वहीं मौत हो गई। हैरानी की बात है कि उनके अंतिम संस्कार में बॉलीवुड का कोई अभिनेता नजर नहीं आया था। 90 का बेजोड़ विलेन गुमनामी में तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, आपको गैविन पैकर्ड याद है? वो आपको कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या रोल आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएगा। ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब